हेलो फ्रेंड्स, द फूडी स्टॉप में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक चटपटी सी कैंडी, जेली कैंडी, जो कि हम ये कच्चे आम से बनाएंगे। कच्चे आम का सीज़न चल रहा है और इससे आजकल बहुत सारी चीज़ें भी बनती हैं, तो उसमें से एक मैं आपको जेली सिखाऊंगी जो चटपटी सी होगी, खट्टी मीठी होगी, और वो जेली बनेगी फ्रिज की ठंडी ठंडी आइसक्रीम की तरह। तो शुरू करते हैं खट्टी मीठी आम की जेली। आम की जेली बनाने के लिए इस तरह से मैंने कच्ची कैरी यानी कि कच्चा आम लिया है, जिसको कि मैंने इस तरह से बारीक बारीक काट लिया है, रफली चॉप करा है। यह है थोड़े से धनिया पत्ते, आधा एक चम्मच ले लीजिए आप। ये मैंने पुदीना, काली मिर्च, काला नमक और एक छोटी सी हरी मिर्च को डालकर इसको पीस लिया था। ये है सफ़ेद नमक, सफ़ेद नमक मैंने इसमें नहीं डाला था इसलिए मैंने सफ़ेद नमक लिया है, थोड़ी सी चीनी, और ये है जेलेटिन। जेलेटिन हम इसको सेट करने के लिए, जेली की टोन में बनाने के लिए हम जेलेटिन डालेंगे। ये है थोड़ा सा हरा कलर, फूड कलर, ये ऑप्शनल है, आपको डालना है आप डालिए, नहीं डालना तो आप इसको इसी तरह से रहने दीजिए। बहुत ईजी है बनाने में। तो सबसे पहले हम ये जो कच्ची कैरी है, हम इसको इस तरह मिक्सचर में डाल देंगे और इसको हम एक बार अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। तो अब हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। इसको आपने बहुत अच्छी तरह से पीसना है ताकि इसमें कोई गुठली वुठली ना रह जाए। अभी ये अच्छी तरह से नहीं हुआ, पर अभी मैं इसमें दोबारा इसको पीसना है, तो इसलिए इसमें मैं ये डाल दूंगी आधा से एक चम्मच धनिया की पत्ती। ये बिल्कुल खट्टी मीठी जेली बनेगी और बहुत टेस्टी बनेगी, आपको अच्छी लगेगी। ये थोड़ा सा नमक, दो चुटकी, क्योंकि हमारी इसमें भी नमक है। तो ये है पुदीने और उसका जो हमने मिर्ची वगैरह डालकर पीसा था वो डालेंगे, और ये थोड़ी सी चीनी डालेंगे, दो चम्मच। अब हम इसको दोबारा से पीस लेते हैं। ये हमने अच्छी तरह से दोबारा से पीस लिया है और खोल के चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए कितना बढ़िया सा इसका जो पेस्ट है वो तैयार हो गया है। इसमें कोई भी गुठली नहीं है, एकदम क्रीमी टोन इसकी हो गई है। तो इसको अभी थोड़ी देर के लिए रख देते हैं साइड में। आप ये देखिए, इसका कलर वैसे भी बहुत अच्छा आया हुआ है, पर हम इसमें थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे। अब इसको साइड में रख कर हम ये जेलेटिन, जो हमने एक चम्मच जेलेटिन लिया था, इसमें हम डालेंगे पानी दो से तीन चम्मच, और इसको अच्छी तरह से हिला लेंगे। इसको अच्छी तरह से हिला लीजिए दो से तीन मिनट के लिए, ताकि ये अच्छी तरह अपनी फॉर्म में आ जाए। अब ये जो जेलेटिन है मैं इसमें मिक्स कर दूंगी, ये आम के कच्ची कैरी के पेस्ट में। इसको मिक्स करने के बाद हम इसको एक से दो मिनट के लिए अच्छी तरह से हिला लेंगे। इसको इस तरह हिलाते हुए इसमें मैं सिर्फ, हरा कलर है ये, ग्रीन कलर, और सिर्फ एक चुटकी डालूंगी, जिससे कि थोड़ा सा कलर, थोड़ा इसका अच्छा ग्रीन सा हो जाए। वैसे तो इसका अपना कलर भी बहुत अच्छा है। तो इस तरह से इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए कलर कितना अच्छा हो गया है। मेरे पास ये इस तरह के मोल्ड हैं, ये सेलोविन मोल्ड हैं। इसको आप अच्छी तरह से इसके अंदर ब्रशिंग कर लीजिए थोड़ी थोड़ी ऑयल की, ताकि ये जो पेस्ट है इसका, जो हम जेली बनाएंगे, ये इस पर चिपक ना जाए। तो इस तरह से इसको मैंने कर लिया है, और अब मैं इसको इसमें इस तरह से ये पेस्ट इसमें डाल दूंगी तीनों में। आप चाहे तो आप छोटे छोटे ग्लासेस में भी डाल सकते हैं और बाद में उसको कट भी कर सकते हैं। तो ये मैंने डाल दिया है इस तरह से, और इस तरह से मेरे पास कांच की छोटी छोटी कटोरियां हैं,
तो मैं इसमें भी मेरा ये जो थोड़ा सा लिक्विड है ये बचा हुआ है तो मैं इसमें भी इसको जमा दूंगी। तो ये देखिए कितनी अच्छी तरह से कितना अच्छा कलर आ गया है और हमने इसको भर लिया है। तो अब हम इसको सेट होने के लिए 2 से 3 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देते हैं। ये देखिए 2 से 3 घंटे के बाद इस तरह से ये मेरी जेली जो है सेट हो गई है, सारी जेली सेट हो गई हैं। तो ये जो है मैं अब आपको निकाल कर दिखाती हूँ कि ये कितनी बढ़िया सी सेट हुई है। अब मैं इस तरह से एक मोल्ड को उठाऊंगी और इस तरह से इसको बहुत ही आराम से मैं इस तरह से इसको फोल्ड करती जाऊंगी। ये सेलेमिन का है, ये बहुत आराम से निकल जाता है। ये देखिए कितने आराम से जेली जो है वो निकल गई है। इस तरह से मैं बाकी जेली भी निकाल लेती हूँ। ये देखिए ये मैंने सारी जेलीज निकाल दी हैं। ये देखिए तो इस तरह से ये जेली तैयार हो गई है। बनाने में बहुत ज्यादा इजी है, आप भी बनाइए। चटपटी सी जेली है, आपको बहुत अच्छी लगेगी, आप इंजॉय करेंगे और आइसक्रीम की जगह कभी कभी ये भी बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो आप जरूर बनाइए और शेयर करिए। थैंक यू।